लगता है दूसरे गांव में आ गए। चलो चलो चल कर देखते हैं। क्या हुआ? पुलिस है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अगर हमें पकड़ लिया तो? हम कहाँ जा रहे हैं? नदी के उस पार जा रहे हैं। अरे रामू, हम लोग को यहाँ पर कोई नहीं जानता, कुछ दिन यहीं पे रहते हैं। ठीक है, लगता है इस घर में कोई है नहीं। वहाँ पर एक ढाबा है, पहले हम कुछ खा लेंगे, बाद में कुछ सोचेंगे। खाली पेट मेरे दिमाग काम नहीं करता। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है। हेलो, कोई है? भाई इसमें खाना तो है, यहाँ क्या हुआ है? एक काम करते हैं, यहीं रुकते हैं, कोई तो आएगा। बहुत भूख लगी है। अरे भाई, बहन, दादी, सब मर गए क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कुछ उठा के खा ले ना। बिना बताए खाना गलत है ना? अरे उठा के खा ले। दीदी, मैं तो पकौड़े लेके खा रहा हूँ, बता के ही खा रहा हूँ। एक काम कर, चल दो चाय बना। मैं बनाऊँ? अरे वाह, उठाकर खा सकता है लेकिन तू चाय नहीं बना सकता। अगर यहाँ के लोग मुझे मारेंगे तो मैं नहीं बना सकता। जा बना। भैया मैं दो ही चाय बना रहा हूँ, ठीक है ना? आपको नहीं बताया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम चोरी नहीं कर रहे, अगर कोई आया तो हम उसका पैसा देंगे। कोई है क्या? बनाता हूँ। जाकर चाय ला। भैया चाय में दूध और शक्कर डालना है क्या? भैया आसपास तो कोई नहीं है, पर यहाँ का तरीका अच्छा है। अगर भूख लगे तो खाना खा सकते हैं, चाय बना सकते हैं और पैसा भी नहीं देना है। तुमने ठीक कहा, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। पता नहीं कौन सा गांव है, कोई आदमी नहीं दिखता। ये गोदापुर है, इस क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा। और इस गांव की खास बात ये है, यहाँ हर समस्या का समाधान धर्म, शांति और नीति से नहीं, झगड़े से किया जाता है। इस गांव को पहले महाबलीपुरम कहा जाता था, अब गोदापुरम कहा जाता है। इस गांव में जीत हमेशा मार तांडम की ही होती है। जिसने गोदापुरम को अपना बनाकर पूरे गांव को अपने वश में कर लिया, गांव से शहर जाने के लिए नदी में सिर्फ एक ही नाव रखने का नियम बनाया, कोई जिंदा न रहे ऐसा सोचने वाला, जो शहर में चर्च है मुर्गे को मन्नत में देते हैं, ऐसे रीति रिवाज के लोग, रिलीजन की रोक टोक की वजह से चर्च जाने वाले लोग भी हैं। जहाँ कोई भी मर्द महातांडव के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं होता। उस गांव में एक लड़की आई, यशोदा, उसके जीवन के सपनों को नाश करने वाले मारतांडव के विरुद्ध। इसलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया।
गांव के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे चल रही खेल ने इस गांव की इज्जत के लिए झगड़े में मारतंडम के लड़के ने मुड़ो कांडन के लड़के को हरा दिया। इसीलिए हमेशा की तरह गोदापुरम के अधिकार और गोदापुरम में नए बोट चलाने का अधिकार मारतांडव के हाथ में दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छे हैं। अब मुझे देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आओ। सारा काम तो ये कर लेते हैं, पर ये बोट सर्विस का काम कैसे करते हैं देखना है। कोला कांड के बाद की जगह यशोदा की है, क्या वो अपनी जगह देंगी? सही कहा। हाँ हाँ, जरूर देगी, क्यों नहीं देगी। और ये मारतांडव मनवा के ही रहेगा। कुछ साल पहले इसी गोदावरम में जहाँ पे वो रह रही है और उसके आसपास की जगह, उससे शादी करने वाले मुझे सब लिख कर दे गए। उसका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में तू बात मत कर, पूरा गांव जानता है। अगर तू इस गांव में बोट सर्विस चलाएगा तो इसका विरोध करने के लिए कोई तो होगा। हाँ हाँ, ऐसा है तो देख लेंगे। ए, जरा क्या हुआ साहब, हट जा। अबे, इस मारतांडम को कोई रोकने वाला है क्या? ये भी देखना है मुझे। ए कनप्पा, अभी उसे और उसकी बेटी को लेके जाओ, देखता हूँ कि कौन रोकता है। रामू, एक आदमी आ रहा है, चलो उसे पूछते हैं। रुको जरा, रुकने के लिए टाइम नहीं है, अगर काम है तो पीछे आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई? टाउन से आया हूँ। टाउन से आ रहे हो क्या? तो एक काम करो, मेरे पीछे आओ तुम दोनों, आ जाओ। कौन मेरा विरोध कर रहा है? हाँ, जो भी हो सामने आओ। माँ, चलिए माँ। ये मेरी जगह है। हाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उस गधे को जाके बोल देना मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। उन लोगों को उठा के लाओ। पास मत आना वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमसे भी बड़ी हिम्मत वाली औरत को देखा है मैंने। एक ही रात में भगाने वाला है ये खरम गोटी। तू चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, इस दहलीज को पार किया तो जान से मार दूंगी। नीचे कर। छोड़ मुझे, आज इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। हट, मेरा हाथ छोड़, इसको तो आज मैं देखती हूँ। मार डालूंगी तुझे मैं। छोड़ मुझे। टाउन वाला आ गया, टाउन वाला आ गया। यशोदा, यहाँ पर कोई टाउन वाला आया है, देखो तो। ये वही दीदी है ना, अरे जिसे हमने चर्च में देखा था, अरे अरे जिसका आपने मुर्गा पकड़ कर दिया था। अरे मेरे बच्चे, कितने दिन हुए तुझे देखे हुए। इतने दिनों से कहा था मुझे बचाओ। ये मेरा बच्चा है, टाउन में रहता है। ए तू हट, टाउन में रहने वाला मेरा बच्चा। जब मैंने इन सब लोगों को बताया तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। अब तुम लोगों को सब समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे बचाओ बेटा, मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने आया है ये, हमें बचाओ बेटा। हम यहाँ से वापस चले गया।